24 घंटे में चांद से आई क्या क्या जानकारी, अगर चांद पर आई बसने की नौबत तो कहां से आएगी बिजली, सुनिए जवाब। क्या पृथ्वी की तरह वहां पर कर सकेंगी खेती, क्या वहां भी आता है भूकंप, असल में कैसे दिखता है चांद, आई 3 नई तस्वीर। जिन्होंने खरीदी है चांद पर जमीन, क्या उनके लिए इसरो बनवाएगा मकान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुनिए पूरा जवाब। 24 घंटे में चांद से 3 तस्वीरें आई, चंद्रयान ने इसके अलावा क्या भेजा और उसे डीकोड करने के बाद वैज्ञानिकों ने क्या बताया, ये हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। तो आइए आपको तस्वीरों के जरिए चांद पर लिए चलते हैं। ये चंद्रयान 3 की ओर से भेजी गई पहली तस्वीर है। करीब 4 घंटे तक एक ही जगह पर रहने के बाद जब रोवर प्रज्ञान बाहर निकला तो 6 पहियों के सहारे कई घंटों में 50 मीटर की दूरी तय की और ये पहली तस्वीर सामने आई जिसमें उसने अपने पहले ही कदम में अशोक चिन्ह और इसरो के लोगों के साथ चांद पर भारत की छाप छोड़ दी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, प्रज्ञान रोवर की चांद पर समतल सतह से निकलकर ऊबर खाबड़ जमीन पर खड़ा है, दूसरी ओर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ऊपर लगा सोलर प्लेट चार्ज हो रहा है और उसके आसपास की जमीन पर गड्ढे बने हुए हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि इनमें से कुछ गड्ढों में 2.5 लाख स्विमिंग पूल के बराबर पानी है। हालांकि GW की एक रिपोर्ट कहती है ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि इसमें इंसानी बस्तियां बस सकती हैं क्योंकि इनका तापमान पृथ्वी की तरह ही 17 डिग्री सेल्सियस तक है। अब तीसरी तस्वीर देखिए जिसमें चांद की सतह पर एक पत्थर रखा है, ये तस्वीर उस वक्त की है जब चांद पर लैंड करने के करीब 4 घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर अलग हुआ, जिन्हें देखने के बाद 2 चीजें साफ हो जाती हैं कि चांद पर पानी और पत्थर पहले से मौजूद है। तो सवाल है क्या वहां पर जिंदगी संभव है, तो इसका जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे आप समझ सकते हैं। यहां कुछ सवालों और जवाब की लिस्ट है जिसके जरिए हम आपको चांद पर जिंदगी के बारे में बताते हैं। सवाल नंबर 1, चांद पर जाएंगे कैसे, वहां पर ऑक्सीजन और खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा। जवाब, वैज्ञानिक रॉबर्ट हु का दावा है कि साल 2030 तक चांद पर बसने की शुरुआत हो जाएगी। वहां पहले वैज्ञानिकों की टीम जाकर रिसर्च सेंटर बनाएगी, फिर धीरे धीरे लोगों को भी भेजा जाएगा। सवाल नंबर 2, चांद की जमीन समतल नहीं है, फिर वहां कैसे सड़क बनेगी और गाड़ियां कैसे चलेंगी। जवाब, जैसे अभी रोवर प्रज्ञान है जिसमें 6 पहिए लगे हैं ठीक वैसे ही गाड़ी इंसानों के पास होगी जिसकी स्पीड कम होगी। सवाल नंबर 3, क्या वहां पर मकान बन सकता है, खाने पीने की सुविधा कैसे होगी। जवाब, चांद पर भारी संख्या में पत्थर हैं पर वहां पर बस्ती बसाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मुश्किल होगा। पीने के लिए पानी अगर चाहिए तो गड्ढे में मौजूद पानी को फिल्टर करना होगा क्योंकि वो पानी पीने लायक नहीं है। इस पानी के जरिए सौर ऊर्जा बनाई जाएगी जिससे वहां पर उजाला होगा। अंतरिक्ष यात्री अब तक डिब्बा बंद खाना लेकर जाते हैं वही खाते हैं, पर बसने की संभावना हुई तो वहां पर होटल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्या वहां पर भूकंप आता है पृथ्वी की तरह वहां खेती भी हो सकती है। जवाब, अभी वैज्ञानिक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, 14 दिन में प्रज्ञान जितनी जानकारियां भेजेगा उसके हिसाब से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वहां पर इंसानी जिंदगी बस सकती है। ये भी हो सकता है कि चंद्रमा के उत्तरी हिस्से पर इंसानी बस्ती बसे और दक्षिणी हिस्से से पानी और खनिज लाया जाए। पर सबसे बड़ा सवाल है कि बसने जाएगा कौन, तो इसमें सबसे बड़ा नाम है शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, हैदराबाद की राजीव बांगड़ी, बेंगलोर के ललित मेहता और देश के बड़े बिजनेसमैन का होगा क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वही यह शौक पूरा कर पाएंगे, वरना गरीब इंसान तो आज भी पृथ्वी के कोने में पड़ा है, कल भी पड़ा रहेगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जो लोग चांद पर अभी जमीन खरीद रहे हैं वो एक घोटाले में फंस रहे हैं क्योंकि चांद किसी के बाप का तो है नहीं जो वहां की जमीन की प्लॉटिंग करेगा। साल 1967 में ही भारत ने दुनिया के 110 देशों के साथ मिलकर आउटर स्पेस ट्रीटी की थी जिसके मुताबिक किसी ग्रह का कोई निजी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर बावजूद इसके lunarregistry.com 3112 रुपए एकड़ की दर से जमीन बेच रही है और लोग महज कागज का टुकड़ा हासिल करने के लिए उसे खरीद रहे हैं। इसलिए कोई गरीब हो या अमीर उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी ही कह दिया है कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका मतलब है हमें दूसरा ग्रह बसने के लिए ढूंढना होगा और इसरो बिल्कुल उस लक्ष्य के नजदीक है। इसलिए उम्मीद कीजिए कि हमारा मून मिशन इतना सफल हो जैसे साउथ पोल के साथ हमने सबसे पहले लैंडिंग की, ठीक वैसे ही इंसानों की बस्ती वहां पर सबसे पहले हम ही बसाएं।